आज मैं जो वीडियो शेयर करने जा रहा हूं वो पीजी डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, वह है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, सुखद बनाने के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध हो रहा है। इसलिए एट ए प्रेजेंट टाइम या डे बाई डे इसकी उपयोगिता एज ए थेरेप्यूटिक टूल्स के रूप में बढ़ती जा रही है। दिस बायोफीडबैक is based on sensor techniques which describe about the executive functions of the body. बहुत पहले health experts की ऐसी सोच थी कि हमारे body के functions को बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं, जैसे heart rate, blood pressure, brain waves, skin conditions, इसकी temperature, और ये सारी जो प्रोसेस है ये कहीं हमारे बॉडी को इतना न प्रभावित कर दे कि हमारे जो इंटरनल प्रोसेस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो इसको जानने के लिए बायोफीडबैक टेक्निक इस्तेमाल किया गया, जो काफ़ी सक्सेसफुल रही यह टेक्निक। इसलिए इसका यूज भी थेरेप्यूटिक टूल्स के रूप में काफ़ी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट्स आप इसको यूज कर सकते हो। आज मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आजकल प्रेजेंट टाइम में रिसर्चर्स को ये ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है न्यूरोसाइकोलॉजी में। जो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं माइंड बॉडी इंटरेक्शंस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बॉडी का माइंड से कैसे इंटरेक्शन होता है। इस तरह हमारे बॉडी में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कुछ वॉलेंटरली जो फंक्शंस करते हैं और कुछ इनवॉलेंट्री होते हैं। जो वॉलेंट्री प्रोसेस आर विच वर्क अकॉर्डिंग टू ओन्स डिजायर, और इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो होते हैं दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो दीज आर रेगुलेटेड फ्रॉम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड। जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं कि यदि आपको प्यास लगी है तो प्यास लगी है तो आप किसी से या तो पानी मांगते हैं, तो कॉन्शियसली आप प्रिपेयर रहते हैं कि मैंने इनसे पानी मांगा, या अपने खुद जाकर पानी लेते हैं तो ग्लास लेते हैं, ग्लास में पानी डालते हैं। यहां तक आप एकदम कॉन्शियसली आप एकदम ठीक रहते हैं, अलाउ आपका माइंड करता है। पर जैसे ही पानी आप पीने लगते हैं, गले के अंदर जाने लगता है, आपको कोई कॉन्शियस नहीं रहता है। जैसे किसी चीज को देखने पर सेलाइवेशन होने लगता है, आपके सेक्रेशन ऑफ सेलाइवेशन, ये आपका इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। किसी हॉट चीजों पर हाथ रखते ही आपका हाथ उठ जाता है, ये भी आप पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, इनवॉलेंट्री होता है, उसमें माइंड का कोई रोल नहीं होता है। दिज प्रोसेस आर रेगुलेटेड बाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड। माने इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कॉन्शस या माइंड का, जिससे कि आप वर्क के साथ उसको कोऑर्डिनेट करें। ब्रेन माइंड इंटरेक्शंस के लिए इसका जरूरत नहीं है। ब्रेन माइंड इंटरेक्शन वॉलेंट्री प्रोसेस के लिए जरूरी है, जहां ब्रेन का माइंड से इंटरेक्शंस होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसमें आपको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की जरूरत होती है। जैसे ही वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री प्रोसेस की बात आती है तो इसका मैं एक आपको इमेज दिखा रहा हूं, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि इंटरेक्शन ब्रेन माइंड का वॉलेंट्री प्रोसेस में हो रहा है और इनवॉलेंट्री प्रोसेस में ब्रेन माइंड का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री प्रोसेस के बात होती है जो आपका इससे बायोफीडबैक से रिलेटेड है। वी ऑल नो दैट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हैज टू पार्ट्स, फर्स्ट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्यूट स्ट्रेस में होता है, एंग्जायटी पोजीशन में होता है, क्राइसिस में होता है, जब हमारे अंदर फाइट और फ्लाइट की आइडियाज होते हैं उस समय ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये एक्टिव नहीं होता है, पर पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में, जब हम डेली वर्क में रहते हैं, नॉर्मल स्टेज में रहते हैं, यहां हमारा जो होमियोस्टेसिस है वो मेंटेन रहता है। तो पारासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिव होता है तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो पैसिव हो जाता है।
और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो पैरासिंपैथेटिक पैसिव होता है, दोनों पर दोनों सिस्टम हमारे ब्रेन माइंड को रेगुलेट करते हैं, परंतु ड्यूरिंग एक्टिवनेस ऑफ पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्किन कंडीशंस ये सब डिस्टर्ब हो जाती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रोसेस ये सब डिस्टर्ब हो जाती है। पर जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, डोमिनेंट होता है, तो हार्ट रेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है तो हार्ट रेट काफी बढ़ जाता है। जब पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है तो हमारा जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, स्किन कंडीशंस है, ये सब नॉर्मल होते हैं। तो ये दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में इस तरह के डिफरेंसेस है जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं। ये हमारे बायोफीडबैक से रिलेटेड है। बायोफीडबैक कंप्लीट द लूप बिटवीन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक प्रोसेस एंड कॉन्शियस अवेयरनेस, दोनों के बीच में इट कंप्लीट द लूप, इट कंप्लीट द चेन, इट कंप्लीट द प्रोसेस एंड इट कंप्लीट द कनेक्शन बिटवीन ऑटोनॉमिक प्रोसेस एंड कॉन्शियसनेस। जब दोनों के बीच एक तरह का लूप नहीं बनेगा तब तक हमारे ब्रेन माइंड इंटरेक्शंस भी नहीं होंगे और उसके बाद हम बायो फीडबैक मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे। इसको मैं एक फिगर में बता दे रहा हूं, ये आपका लूप है बायो फीडबैक का, मैं इसमें लूप दिखा रहा हूं जिसमें एक तरफ ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं और दूसरे तरफ हमारे कॉन्शियसनेस है। तो दोनों के बीच में जब लूप बनता है तो एक चेन बनती है, एक सीरीज बनती है, एक कनेक्शन बनता है जिससे हम बहुत सारे रिएक्शंस देते हैं और उन रिएक्शंस को मॉनिटर के द्वारा रीडिंग किया जाता है। ये बायोफीडबैक है। बायोफीडबैक का एक मैं इमेज दिखा रहा हूं, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बायोफीडबैक टेक्निक का कैसे। इसमें बहुत सारे सेंसर हैं, बहुत सारे सेंसर हैं। बायोफीडबैक इज ए टेक्निक ऑफ सेंसर विच डिस्क्राइब अबाउट बॉडी फंक्शंस, बॉडी फंक्शंस के बारे में डिस्क्राइब करता है। इसमें देखिए, इस फिगर में आपके एक दो तीन चार, चार इसमें आपके सेंसर लगे हुए हैं। यहां से इन सेंसर के माध्यम से प्रोसेसिंग डिवाइस में जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस से ये बीच में ही ये चीजें आपको सिग्नल्स देती हैं और सिग्नल्स में आपके ऑडिटरी भी होते हैं या कहीं कहीं आपके वो भी होते हैं, लाइट से भी रिलेटेड होते हैं, या हरा या रेड इस तरह की लाइट जलती है जो आपके बॉडी फंक्शंस को इंडिकेट करता है। और नीचे इसका लास्ट में लूप मैंने दिखाया है जो जोड़ दे रहा है। ये बायोफीडबैक का एक बेसिक जो मॉडल है, ये बायोफीडबैक का बेसिक मॉडल है जिसमें डिफरेंट तरह के आपके सेंसर से हमारे बॉडी के फंक्शंस को रीड किया जाता है मॉनिटर के थ्रू और बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू, जिसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इलेक्ट्रोड के माध्यम से हमारे बॉडी के फंक्शंस जैसे ही फ्लक्चुएट करते हैं मॉनिटर पर समझ में आने लगता है। तो बायोफीडबैक ट्रेनिंग इज द लर्निंग प्रोसेस इन विच पर्संस लर्न अबाउट द फिजिकल प्रोसेस। इसी के माध्यम से पर्सन अपने फिजिकल प्रोसेस के बारे में सीखने का प्रयास करता है। पर्सन कैन कॉन्शियसली कंट्रोल देयर एक्टिविटी थ्रू बायोफीडबैक। इसकी इतनी उपयोगिता है कि जैसे ही हमारे बॉडी के फंक्शंस में कम से कम जो उतार चढ़ाव होते हैं, जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको हम बायोफीडबैक के माध्यम से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसी अनुसार उसको हम रेगुलेट भी कर सकते हैं। बायो फीडबैक जो टेक्निक्स है ये इसलिए ज्यादा यूजफुल हुई कि इसके माध्यम से बहुत सारी चीजों को हम ऑब्जर्व करके उसको रेगुलेट कर सकते हैं। बायो फीडबैक ऑलवेज मॉनिटर द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड द फीडबैक इन रियल टाइम। पहले ऑब्जर्व करेगा, देन प्रोवाइड द एक्टिविटीज कंडीशंस इन रियल टाइम। आपको एक्यूरेट समय में आपके फिजिकल कंडीशंस क्या हैं उसको तुरंत वो फीडबैक दे देता है, तुरंत बता देता है। इट गिव्स द सिग्नल थ्रू द
मॉनिटर जिसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और उसको मॉनिटर से कंसल्ट किया जाता है, वहां से आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में जानकारी मिलती है। यदि पर्सन एंगर सिचुएशन में है, यदि पर्सन ओवर स्ट्रेस में है, तो उसके सिग्नल दूसरे तरह के होते हैं। जब पर्सन नॉर्मल स्टेज में होते हैं तो उसके सिग्नल दूसरे तरह से होते हैं। पर्सन कैन इंक्रीज और डिक्रीज देयर फीलिंग्स इमोशंस बाय ऑब्जर्विंग द सिग्नल। सिग्नल देखकर बहुत सारे लोग अपने फिजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। आप लोगों ने सच का सामना देखा होगा, टीवी पर एक सीरियल आ रहा था जिसमें लोग झूठ बोलते हैं तो एक तरह से लाई डिटेक्टर का, वो सब बायोफीडबैक है। झूठ बोलने पर फ्लक्चुएट करता था हार्ट रेट भी, ब्लड प्रेशर भी, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम में आपके ब्रेन वेव्स भी फ्लक्चुएट करते थे। तो इस तरह से इन फ्लक्चुएशंस के द्वारा हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है, उसको बायोफीडबैक के द्वारा ऑब्जर्व कर सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच कैन बी रेगुलेटेड बाय बायोफीडबैक सच एज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हेडेक, स्ट्रेस। दीज आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग द हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर। आजकल बहुत सारे यंग लोगों में भी, बहुत सारे इंजीनियरिंग के, मेडिकल के छात्रों में हाइपरटेंशन की यंग एज में बहुत सारे हार्ट फेल्योर हो जा रहे हैं ओवर स्ट्रेस के कारण। यदि उन सिचुएशंस में हम रेगुलेट करें तो बहुत सारी चीजों को हम अपने मन मस्तिष्क को स्थिर रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं। इसलिए इसका थेरेप्यूटिक यूज मेंटल हेल्थ के एरिया में काफी बढ़ता जा रहा है। ये बायो फीडबैक टेक्निक आई कब? दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन लेट 1960 में। 1960 में ये टेक्निक आई और उस टेक्निक के माध्यम से ब्रेन एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, दूसरे बॉडी फंक्शंस के लिए ये चीजें आई कि इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहले जो हमारे साइंटिस्ट थे, इन साइंटिस्ट का ऐसा थॉट था, ऐसे ये विचार थे कि इससे हम विल पावर को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं ब्रेन वेव के माध्यम से, पर उस समय वो सक्सेस नहीं हुआ। पर एट ए प्रेजेंट टाइम डिफरेंट टाइप के, जैसे इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राफ है, इसके द्वारा, ईजी के द्वारा हम ब्रेन वेव्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी रीडिंग ले सकते हैं। ब्रेन में हमारे जैसे अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव, डेल्टा वेव, ये सारे वेव्स चलते हैं। तो किन सिचुएशंस में कौन से वेव डोमिनेंट होते हैं इसकी जानकारी हमको ईजी के माध्यम से लगता है, और किस बीमारी में कौन से वेव ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाते हैं इसकी भी जानकारी हमको इसके द्वारा लग सकती है। तो एक तरह से ये हमारे एक बायोफीडबैक है, ईजी एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोफीडबैक है जिसके माध्यम से हम मेजर कर सकते हैं इन अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा वेव्स के बारे में। इसलिए ये इंपॉर्टेंट टेक्निक हो गई है, इसलिए इसका थेरेप्यूटिक यूज भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है मेंटल हेल्थ के एरिया में। बायोफीडबैक इज ए ट्रीटमेंट टेक्निक इन विच पर्संस आर ट्रेन्ड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ बाय यूजिंग सिग्नल फ्रॉम देयर ओन डिजायर। हेल्थ इंप्रूवमेंट बाय यूजिंग बॉडी सिग्नल्स। बॉडी जैसा सिग्नल देती है उसी अनुसार हम अपने हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल इन ए स्ट्रोक। दिस इज वेरी यूजफुल इन ए स्ट्रोक विक्टिम बाय रीगेनिंग द पैरालाइज मसल्स। सब लोग, हम लोग जानते हैं कि जब स्ट्रोक आता है तो हमारे मसल्स पैरालाइज होता है, क्योंकि ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो जाता है, इससे मसल्स हमारे पैरालाइज होते हैं। उन मसल्स को रीगेन करने के लिए भी बायोफीडबैक टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखती है। एज ए साइकोलॉजिस्ट काउंसलर कैन यूज दिस टेक्निक इन टेंस, एंग्जायटी एंड स्ट्रेस सिचुएशन। फॉर यूजिंग द रिलैक्सेशन टेक्निक, इस बायोफीडबैक के द्वारा हम अपने बॉडी को जो नॉर्मलाइज करते हैं तो उसमें रिलैक्सेशन का बड़ा रोल है। तो रिलैक्सेशन के माध्यम से हम अपने एंग्जायटी पोजीशन को, एनेक्सियस पोजीशन को, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, ये सारी चीजों को, टेंस पोजीशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बायोफीडबैक के रूप में हम सभी जनरल वे में थर्मामीटर का, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो एक तरह का बायोफीडबैक है, आप लोग देखे होंगे कि थर्मो चेकिंग,
थर्मो चेकिंग से तुरंत हम बॉडी के तापमान को समझ सकते हैं, एक तरह का आपको फीडबैक दे रहा है। ये बायो फीडबैक का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि फीडबैक के रूप में हम सभी जनरल वे में थर्मामीटर का यूज करते हैं और जानते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, उसके अनुसार हम अपने बॉडी को स्क्रीन आउट कर सकते हैं कि किस लिए है, ऐसा क्यों है, तो उससे हम नॉर्मलाइज हो सकते हैं डिफरेंट उसके उपायों के द्वारा। तो ये बहुत सारा यूजफुल है इसका, इसका यूजफुल ये टेक्निक ज्यादा यूजफुल आपका कोरोनरी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट, जो माइग्रेन हेडेक है, माइग्रेन हेडेक में भी इसका यूज हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल की बीमारियां, बहुत सारी साइकोलॉजिकल बीमारियां होती हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए भी बायोफीडबैक टेक्निक है। कार्डियक में तो है ही, जैसा कि मैंने बताया स्ट्रोक में, स्ट्रोक के अलावा एपिलेप्टिक पेशेंट पर यह बड़ा कारगर सिद्ध हुई है। एपिलेप्सी के मरीज में ब्रेन वेव्स काफी फ्लक्चुएट करते हैं, टेम्पोरल लोब में गड़बड़ी होती है, इन सब की जानकारी हमारे बायोफीडबैक टेक्निक के द्वारा मिल सकती है। इट ऑलवेज इनहेंस द सेल्फ कंट्रोल पावर, आप अपने सेल्फ पावर को इनहेंस कर सकते हैं। या हैबिट चेंज मिले, हमारी जो हैबिट है वो हैबिट हमको दिखाई खुद को नहीं देती है, दूसरे लोग कहते हैं कि आपकी इस तरह की हैबिट है, पर बायोफीडबैक टेक्निक द्वारा हम खुद के हैबिट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हैबिट को चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं लाइफ स्टाइल चेंज के प्रति। इसलिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अलावा काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट इसका यूज दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। मैक्सिमम साइंटिस्ट बिलीव दैट रिलैक्सेशन इज द की कंपोनेंट ऑफ बायोफीडबैक टेक्निक। इसका सबसे इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के द्वारा ही बायोफीडबैक को हम समझ सकते हैं। बायोफीडबैक जब हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपने अंदर रिलैक्सेशन को इंप्रूव कर रहे हैं। इसका मॉडल इसी पर टोटल बेस है, रिलैक्सेशन टेक्निक पर इसका मॉडल इसी पर बेस है। जब थ्रेट्स आते हैं तो बॉडी हमारा रिएक्ट करता है, जैसे ही कोई थ्रेट्स आते हैं बॉडी रिएक्ट करता है, बॉडी रिएक्ट करता है तो हमारा आंख की पुतलियां, आई पिपल्स चेंज हो जाते हैं, हमारा स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं जो स्किन के ऊपर आ जाते हैं, हमारे ब्रेन वेव्स चेंज हो जाते हैं, हमारी जो हार्ट बीट है वो बदल जाती है, रेस्पिरेशन बदल जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रोसेस बदल जाता है, स्लीप कंडीशंस चेंज हो जाते हैं, इन सब को ऑब्जर्व बायोफीडबैक टेक्निक के द्वारा किया जा सकता है और उस स्ट्रेसफुल कंडीशंस को रेगुलेट किया जा सकता है, इससे इमीडिएट फीडबैक हमें मिलता है। इसलिए थेरेप्यूटिक सेशन में जब हम किसी को साइकोथेरेपी दे रहे हैं उन सिचुएशंस में भी बायोफीडबैक टेक्निक बड़ा यूजफुल होता है। यह काम कैसे करता है बायोफीडबैक, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस मॉडल के द्वारा कि यह काम कैसे करता है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक मशीन को व्यक्ति से अटैच किया जाता है। ये बायोफीडबैक जो उसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं बायोफीडबैक में, और उसमें स्पेशली फिंगर में भी अटैच किया जाता है, इन फिंगर्स में अटैच करके उसको मॉनिटर से जोड़ा जाता है। कुछ इस तरह की सिचुएशन इंक्रीज करके आपके बॉडी फंक्शंस में जो भी उतार चढ़ाव होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो एक सिग्नल मिलता है। इस इलेक्ट्रोड द्वारा जो प्रोसेस होते हैं वहां पर, जैसे मॉनिटर में जाने के पहले एक सिग्नल मिलेगा मॉनिटर में, आप पता चल जाएगा सिग्नल, या तो लाइट के रूप में या साउंड के रूप में सिग्नल मिलता है, तो आपकी अपनी पोजीशन मालूम चलती है। बायोफीडबैक द्वारा मॉनिटरिंग करने के बाद हम थेरेपी के अपने जो उसके स्टाइल है, थेरेपी के जो फॉर्म है उसको भी चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के जो हमारे रिलैक्सेशन टेक्निक है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग प्रोग्रेसिव जो मसल्स रिलैक्सेशन है उसको, गाइडेड इमेजरी को, माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग इसके द्वारा दे सकते हैं, योगा की ट्रेनिंग भी इसके द्वारा दे सकते हैं। सो दिस बायोफीडबैक टेक्निक इज वेरी यूजफुल इन वेरियस टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर सच एज एग्जाइटी, स्ट्रेस,
ये सब में, इसके अलावा साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को जैसे कि मैंने बताया, साइकोसोमेटिक में भी यूज होता है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, इन सारी बीमारियों में इसका बायोफीडबैक टेक्निक का यूज किया जा सकता है। ये इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान रखता है बायोफीडबैक टेक्निक। एट ए प्रेजेंट टाइम ढेर सारे बायोफीडबैक टेक्निक्स हैं विच मेजर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राम है, न्यूरोफीडबैक जिसको मैंने अभी बताया, ईजी आपका न्यूरोफीडबैक है, थर्मोबायोफीडबैक जो चल रहा है आपका कोरोना वायरस, इसमें आपका थर्मो जो बायोफीडबैक है ही है, जो थर्मो चेकिंग होती है, जीएसआर द्वारा स्किन के कंडीशंस की जानकारी मिलती है, जब थ्रेट आते हैं तो स्किन की कंडीशंस चेंज हो जाती है, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्सेज जो आते हैं, ये सभी बायोफीडबैक मेंटल हेल्थ के एरिया में काफी यूजफुल है। इसलिए यह टेक्निक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में, साइकोलॉजिकल थेरेपी में और डिफरेंट टाइप के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में यूजफुल होता है। आशा है आप लोग इसको इजी वे में समझ गए होंगे। थैंक यू।